हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने जीपी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है, यानी कि आज हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी चीज की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रकाश कहते किसे है, प्रकाश है क्या। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि हमारा ये पेन हो गया, ठीक है। अब इस पेन को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि इस पेन पे हमारा क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, और इस प्रकाश पड़ जो ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ रही है, तभी हम इस पेन को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो आंखों पर पड़ती है तो हम उससे क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हो गया प्रकाश। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं, आइए हम जानते हैं। प्रकाश के गुण, पहला गुण है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में ही गमन करता है। ये नहीं कि प्रकाश ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गमन करता है, नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में ही गमन करता है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। अभी तो यह चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। जो हमारी प्रकाश है ये क्या होती है, चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। आप देखते होंगे कि अगर आप शीशा लिए हैं उस पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या हो जाती है, वो परावर्तित होकर के उसकी कहीं एक दूर छाया बन जाती है, प्रतिबिंब, उसकी प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वहां पर चली जाती है, यानी कि परावर्तित होकर। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो हमारे वायुमंडल है इसमें प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। पानी में कुछ अलग होती है, पेट्रोल में कुछ अलग होती है, सब में अपनी अपनी एक अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। जो हम प्रकाश देखते हैं उसकी तरंगदैर्ध्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, इसका एक और गुण है उसे भी देख लेते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अगर आप कोई पॉलीथीन लेकर के देखेंगे तो उससे आर पार आपको दिख जाएगी, यानी कि उससे प्रकाश आ जा रही है। ठीक है, अभी आप कोई जैसे कि कॉपी ले लीजिए, उससे आप उसमें से आर पार देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी, यानी कि प्रकाश वहां से आर पार नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये तरंगदैर्ध्य क्या चीज है, आपके मन में भी खटक रहा होगा कि तरंगदैर्ध्य तो बता दिए, तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, लेकिन ये तरंगदैर्ध्य होती क्या है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तरंगदैर्ध्य भौतिक विज्ञान में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति करती है उसी दूरी को उस तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अब ये साइन आकार क्या होता है, साइन आकार की तरंग जितनी दूरी पर अपने आप को पुनरावृत्ति करती है उसी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा जहां से जाती है वहां तक की दूरी तय करने में उसे जितना भी समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य। अगर एक चक्कर पूरा कर लिया तो उसे क्या कहते हैं, हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे थोड़े से इमेज के साथ समझते हैं, साइन आकार कहते किसे हैं। तो साइन आकार एक प्रकार क्या होता है, ग्राफ होता है। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। ये देखिए, एक सीधी रेखा एक इधर से खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हम, तो उसके बाद यहाँ से जब देखिए, साइन आकार का मतलब होता है ये यहाँ से उठा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से उठा, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे जाता रहता है। ठीक है, तो जो अभी हमने आपको बताया, तो जैसे देखिए ये साइन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ये साइन का आकार है। जब यहाँ से साइन चला, यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक उसे जो चला, यहाँ से यहाँ तक जब वो दूरी तय किया तो उसे क्या किए, एक बार वो क्या कर लिया, आवृत्ति कर लिया, यानी साइन की आकार की, ये साइन की क्या है, ग्राफ है। और यहाँ से यहाँ तक की जब वो आकार जो दूरी है तय कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं, हम तरंगदैर्ध्य, यानी कि ये प्रकाश अपनी एक चक्कर को पूरा कर लिया। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्या करो, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मजे लीजिए।